अभी पता है एक दिक्कत हो गई है यार, और मेरा माइंड थोड़ा अपसेट भी है इस बात से, फ्रस्ट्रेटेड भी है। 8 बजे से मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 1:20 हो रहा है गाइस। मैं लास्ट ऑडियो एडिट कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन बस स्क्रीन ब्लैकआउट हुई, उसके बाद सबको चला गया। इसमें पहले भी ऐसा होता था, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा ब्लॉग ही उड़ गया हो मेरा। अब मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, मैं गुस्सा भी किस चीज़ से हूँ और किससे हो जाऊँ मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कल वैक्सीनेशन, अब सोना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखने कैसे मैनेज होता है, अब एक दिन में 2 व्लॉग कैसे कर पाऊँगा, क्या ही कर सकते हैं, ये सब गया तो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या समय लग रहा है, इंद्र देवता के साथ पवन देवता भी परेशान हुए हैं, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, और इसीलिए बार बार शूट करते हुए कुछ बोला नहीं क्योंकि आवाज नहीं आती यार। फाइनली बहुत जल्द रेडी हो गया, वीडियो अभी अभी अपलोड करी थी, खाने में ये बना क्योंकि वैक्सीनेशन होनी है, इसीलिए खाना खा के जाना जरूरी है। गाइज एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है, अभी दिक्कत ये हो गई है कि THC घुटी है, बाद में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर था, लेकिन अभी हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं है, यहाँ पे आपका शायद सेंटर कहीं और पे पड़ा होगा, तो अभी वही कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर एक्चुअली पड़ा कहाँ पर है। तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वैक्सीन लगेगी नहीं, और ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है क्योंकि 11 बजने में अभी आधा घंटा बचा हुआ है, देखते कहीं टाइम स्लॉट से ना निकल जाए, कहीं हम लेट ना हो जाए, कहीं पता लगे मिलेगा। फाइनली कोविड सेंटर तो पहुँच चुके हैं जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, अब इसके बाद लगने वाली है वैक्सीनेशन, लेकिन अभी स्लॉट में टाइम है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पीछे देखे इतने लोग लाइन में खड़े हुए, तो जब लाइन में नंबर आएगा उसी के बाद लगेगी। बहुत छोटी सी जगह है, मुझे लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग और सबका फॉलो होना चाहिए था यहाँ पर, क्या ही कर सकते हैं, लगवानी है तो लगवानी तो सही है, बस वेट कर रहे हैं जब वैक्सीनेशन होती है तब का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं घर आ चुका हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था मैं, वैक्सीनेशन लगी तो, लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा वो ये था कि वैक्सीनेशन की लाइन को क्रॉस करके लोग जा रहे थे, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा हंगामा भी हुआ। नहीं नहीं सर, यहाँ पे कोई बातचीत वाली बात नहीं है, लाइन आप लगवाइए, मैनेज करवाइए सर, एक बंदा खड़ा करिए यहाँ पे। मैडम लाइन तो एडजस्ट करवाइए आप, देखिए कैसी लाइन लगी हुई है, हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग लड़के हम लेडीज में घुसेंगे यहाँ पे, ये लाइन लग रखी है यहाँ पे, तो सर देखिए ना, इस बात को चेक तो आपको रखना चाहिए ना खड़े हुए, लेकिन बात वही अगर कोई निकल के सामने से जाएगा तो सर हमें भी दिक्कत होगी कि तब से खड़े हुए। अरे लाइन में आप लोग आगे मत निकलने दीजिए ना, आप ही लोग का नंबर लेट आएगा, क्या फायदा होगा बताइए। तो सिचुएशन ऐसी है कि कोविड की यहाँ वैक्सीन लग रही है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया दे रखा है, यहाँ पे कहाँ डिस्टेंसिंग होगी बताइए। सो कंडीशन आखिर क्या है वैक्सीनेशन के बाद, मैं आपको बताता हूँ। आज लगी है मुझे कोविड वैक्सीन, बहुत बुरा है ये मेरे मुंह से सुनना आप लोगों के लिए, लेकिन रियलिटी ग्राउंड लेवल पे यही है कि जहाँ वैक्सीनेशन हो रही थी वहाँ मुट्ठी भर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, ढंग से कोई वेटिंग के लिए जगह नहीं थी, कोई स्पॉट नहीं था वेटिंग के लिए, जो ये लोग देख सकते किसी को आफ्टर सिम्टम्स तो नहीं हो रहे कुछ, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामने बहुत ही पतली सी गैलरी थी, मैंने वीडियो डाल रखी है आपने देख ली होगी अब तक, उसी में लोग लाइन से खड़े हुए थे, ना वहाँ पे कोई बोल रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, इवन दो मैंने जाकर वहाँ पे बोला कि आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए, लोग सुनने को नहीं तैयार थे, हमें भी नहीं सुनना पड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे रीज़न है सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, अगर हम बाहर खड़े हैं, मैं बहुत देर लाइन में बाहर खड़ा रहा गाइस, लेकिन उसका लिटरली कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि मैं लाइन के बाहर खड़ा हुआ था, मैं सोशल डिस्टेंस बना के खड़ा हुआ था, लेकिन पीछे से लोग आ रहे थे और अंदर घुस के सीधे वैक्सीनेशन करवा के बाहर आ जा रहे थे। बाद में इस चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए जब हम लोग गए अंदर, क्योंकि ऐसा हुआ था हम लोग पीछे खड़े हुए थे, कुछ लड़कियां हमारे आगे लगी हुई थी लाइन में कई जगह, तो उन लड़कियों ने आपस में कुछ बात करके धीरे धीरे निकलना चालू किया लाइन से और अंदर वैक्सीनेशन करवा के वो निकलने लगे बाहर। चलिए इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए मैंने सोचा कि लड़कियां हैं मे बी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतनी देर रुकी है वहाँ 10 मिनट और रुक जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उनके कुछ फ्रेंड्स बाहर से आते हैं, रैंडम लाइन में घुसते हैं, ब्रीच करके इस चीज को अंदर जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। ये सेकंड टाइम हुआ था गाइस, मेरे साथ भी लेडीज थी, मेरी चाची गई हुई थी मेरे साथ, घुटने में उनके प्रॉब्लम है, वो खड़ी नहीं हो सकती है, उन्हें बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, लेकिन सेंटर के अंदर कहाँ बिठाए हैं, लोगों की भीड़ के अंदर, तो
उसमें क्या हुआ, मैंने जाके उनसे बात करी, ना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी चीज़ का फॉलो ही नहीं हो रहा, बस यहाँ पे क्या गधे घोड़ों को लगाई जा रही है क्या वैक्सीन, आप ही बताइए। किसी की भी जान जा सकती है लेकिन कोई चेक रखने वाला नहीं है गाइस। मिसमैनेजमेंट से प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि अगर आप लोग कुछ ऐसा कराते हैं तो लोगों की जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए वहाँ पे, कि कुछ चीज़ें रेगुलेशन में फॉलो हों, क्योंकि आपकी जान की बात है, आप अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।